नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भूटान के किंग अपने 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो इसी के साथ ही उन्होंने भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात की। तो वहीं देखने को मिला कि एयरपोर्ट पर भूटान के किंग की अवगानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इस बीच जिस तरीके से भूटान के किंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की है, तो इसको लेकर के अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ये जो चर्चा की गई है वो चाइना डोकलाम और इसी के साथ ही जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि डोकलाम की जो स्थिति है, सीमा विवाद है, वो लगातार भारत, चाइना और भूटान के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि कैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए 11 अलग अलग स्थानों के नाम चेंज कर दिए, जिसके बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना को करारा जवाब दिया है। तो वहीं अमेरिका ने भी ये माना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने भारत के ये कहा है कि चाइना ये जो चीजें कर रहा है उससे हकीकत नहीं छिपाई जाती, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। बता दें कि जिस तरीके से भूटान के किंग ने आज प्रधानमंत्री और NSA से मुलाकात की है, तो मिली जानकारी के मुताबिक मोदी और वांगचुंग के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर केंद्रित रही। वहीं भूटान किंग की मुलाकात NSA अजीत डोभाल से भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर भूटान किंग की अगवानी भी की। ये भूटान किंग की इस यात्रा को नई दिल्ली द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। बता दें कि जयशंकर ने सोमवार शाम को भूटान किंग से मुलाकात की थी और कहा था कि भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए किंग के दृष्टिकोण को सराहना की जाती है। भूटान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि चीन और भूटान के बीच सीमा निर्धारण पर बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे नई दिल्ली की चिंता भी बढ़ गई है, खास तौर से डोकलाम को लेकर के। जैसे बयान भूटान के प्रधानमंत्री की ओर से आए हैं, भारत की सजगता स्वाभाविक है। बता दें कि भूटानी PM लोतोय शेरिंग ने 25 मार्च को एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चीन उनकी सीमा में नहीं घुसा है। भूटान और चीन सीमा को लेकर एक समझौते के करीब है। साथ ही ये भी कहा कि डोकलाम के विवाद का हल निकालने में भूटान, चीन और भारत तीनों को शामिल होना पड़ेगा। हालांकि शनिवार को शेरिंग ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका मतलब ये नहीं था कि भूटान ने बीजिंग के साथ सीमा विवाद पर अपना स्टैंड बदल लिया हो। ये सब कुछ भूटान किंग जिगमे खेसार नामग्याल वांगचुंग की भारत यात्रा से ठीक पहले हुआ है। बता दें कि भूटान के राजा इन दिनों भारत में हैं और नई दिल्ली कोशिश करेंगे कि द्विपक्षीय बातचीत में चीन की जुड़ी चिंताओं पर भूटान का मन भाप जा सके। बता दें कि बीजिंग और थिम्पू दोनों पर ही भारत भरोसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण करने को सिरे से खारिज करते हुए मंगलवार को ये कहा है कि राज्य भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मनगढ़ंत नाम रखने से ये हकीकत नहीं बदल जाएगी और बागची ने कहा कि हमें ऐसी खबरें देखी है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब चीन ने ऐसा प्रयास किया हो, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था और रहेगा, गढ़े गए नाम रखने से ये हकीकत नहीं बदल जाएगी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद के लिए भारतीय राज्य के लिए चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षरों में भारत के नामों की तीसरी सूची जारी करी है। साथ ही वहीं दूसरी ओर देखें, जहां एक ओर चाइना ये क्लेम कर रहा है कि भारत में स्थित अरुणाचल प्रदेश उनका है और साथ ही 11 स्थानों के नाम तक अरुणाचल प्रदेश के चाइना ने फिर से चेंज कर दिए हैं, तो इसको लेकर के अमेरिका ने भी स्टैंड लिया है। बता दें कि अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को चाइना और
अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। अमेरिकी संसद में इसे लेकर के एक द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है और ये कहा गया है कि चीन यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैंगर्डी ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि वो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों खासकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है, ना कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और क्षेत्र में समान विचारधारा वाले अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ साथ वहां समर्थन और सहायता को गहरा करने की अमेरिकी प्रतिद्वंद्वता को दोहराता है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को जरूरी हथियारों तथा प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा कहा। उनका कहना है कि नए तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए सदैव ही तीनों सेना को तैयार रहना होगा और तत्पर हमेशा रहना होगा। आपको बता दें कि भूटान के पीएम ने एक बेल्जियन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था कि डोकलाम भारत चीन और भूटान के बीच जंक्शन पॉइंट है, मुश्किल सुलझाना अकेले भूटान की जिम्मेदारी नहीं है, हम तीन हैं, कोई छोटा या बड़ा देश नहीं, हम सब बराबर हैं, हर एक का एक तिहाई जिम्मा है। भूटान का ये रुख बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक उनकी राय वही थी जो भारत की थी। 2017 के डोकलाम संकट के दौरान भूटान के दूतावास ने चीन के खिलाफ बेहद कड़ा बयान दिया था, लेकिन अब भूटान के पीएम का इंटरव्यू ये जताता है कि भूटान एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विवाद सुलझाने में बराबर की भूमिका है। और जिस तरीके से भूटान के किंग द्वारा भारत का 3 दिवसीय दौरा किया जा रहा है और भारत के एनएस से प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात, ये बताता है कि द्विपक्षीय मुलाकात के साथ साथ भारत और भूटान के रिश्तों को लेकर के और इसी के साथ ही डोकलाम विवाद को लेकर के भी ये जो चर्चा है, ये जो मुलाकात है और भूटान किंग का ये जो भारत का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।